भाई साहब मन कर रहा है इसमें कूद जाए हम। ब्लॉग 11 के जो हमारे विजेता हैं, हमारे विनर्स हैं, उनका नाम बता दूं। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग आ चुके हैं हमारे यहाँ के सबसे माने जाने प्रकाश ढाबा पे। तो हमारे साथ कौन है? हेलो हेलो हेलो, हाय हाय। खिचड़ी कैसे? खिचड़ी कैसे है? अच्छा, हाफ मिलेगा पहले? हाँ ठीक है। तो आज मौसम है सुहाना, तो खिचड़ी खाना मैं ऑर्डर करूंगा, हाफ खिचड़ी। और आप क्या ऑर्डर करेंगे सर, जरा बताइए? हाफ सेव टमाटर। हाफ सेव टमाटर और चपाती। हाँ, पहले मुझे हाफ खिचड़ी कर दीजिए, उसके बाद मन करेगा तो कुछ और ऑर्डर कर लूंगा, लेकिन हाफ खिचड़ी ठीक है। तो ये है भैया, इधर आप बताइए आपका नाम क्या? अरे एकदम बताइए थोड़ा सा आपने। हाँ, अपना नाम बताइए आप, क्या नाम है आपका? राजन। राजन नाम है, बहुत अच्छा। चलिए भैया ले ला दीजिए, थोड़ा भूखे हम लोग। हाँ, हाफ खिचड़ी और सेव टमाटर। ये देखिए प्रकाश ढाबा भाई साहब, क्या मस्त है। ये देखिए एकदम ढाबे वाला लुक। देखिए भीड़ लगी हुई है, लोग यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पर पानी बॉटल अगर आपको चाहिए तो, लेकिन हम पानी बॉटल नहीं लेंगे। ये भैया यहाँ पर सलाद काटे जा रहे हैं यहाँ उधर। ये अंदर का नज़ारा, अंदर का भी आइटम है जगह बैठने का, यहाँ पर भी है। अंदर में लोग खा रहे हैं, एक इधर भी फैमिली वाला है, लोग खा रहे हैं अंदर में। नहीं जाएंगे, मार पड़ जाएगी अंदर में। भाई साहब ये मूली लाइन कहाँ रहे जी, मूली। ये देखिए यहाँ का दो थाली लगा। यहाँ पर देखिए हमारे कुक लोग बना रहे हैं खाना। ये देखिए भाई साहब, कसम से बहुत अच्छा लग रहा है। ये पराठा यहाँ का सबसे फेमस क्या है? आलू पराठा यहाँ का फेमस है। ठीक है, देखते हैं खिचड़ी खाने के बाद मन करेगा तो आलू पराठा भी खा लेंगे। अरे अरे भैया ये हमारे, देखिए एक मिनट। अभी हम मिलवा रहे हैं अपने यहाँ का मालिक से। भैया आपका नाम बताइए। भैया अनिल कुमार छत्री। तो आप ये कब से, आपका शरीर देखा तो लग रहा है कि आप बहुत खाते हुए आते हैं यहाँ पे। आते हैं खाते रहते हैं। तो आप कब से ये ढाबा चल रहा है? ढाबा हम तो पैदा नहीं हुए, 8 साल हो गए। अच्छा 8 साल, मतलब इससे 50 साल हो गए। 60 साल 62 साल। भाई साहब ये 62 साल हो गए इस ढाबा को, मतलब यहाँ का मंडला का सबसे पुराना ढाबा कह सकते हैं। कई ढाबा मंडला, पहला ढाबा है मंडला का। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग इस पुराने ढाबा पे खा रहे हैं। और देखिए भाई साहब इधर कुछ बन रहा है, भाई साहब मन कर रहा है इसमें कूद जाए हम। कसम से मन कर रहा है कूद जाए। ये सेव टमाटर, ये गया सेव टमाटर, डाल दिए होंगे। हाँ, ये गरम गरम चावल, इसमें भी कूद जाएंगे। लेकिन नहीं, ये खिचड़ी का नहीं। देखिए ये भैया, अगर किसी, अगर ये लड़की होते ना तो बहू बनते तो आग लगाने के काम करते। देखिए देख रहे हैं, मतलब क्या आग लगा रहे हैं, जबरदस्त, बहुत तेज घरों में आग लगाने का काम कर रहे हैं। और ये देखिए शाही पनीर की ग्रेवी है और पनीर। और यहाँ पर ये ढाबा होते हुए यहाँ पर हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। देख रहे हैं सब साफ सुथरा है, बढ़िया सब बन रहा है सब लोग। और ये देखिए, और ऑनलाइन भी यहाँ पर खाना। देखिए ये हमारे यहाँ का, एक मिनट अरे दिखाइए भैया, ये कौन सी कंपनी है यहाँ पर ऑनलाइन? ये जस्टेल है। अब यहाँ पर जोमेटो भी लॉन्च हुआ है ना, ये जस्टेल। लेकिन हाँ मतलब जोमेटो भी लॉन्च हुआ है यहाँ पर। और ये इनके बड़े भाई हैं, देखने में छोटे लगे लेकिन है बड़े भाई। ये देखिए आप इनको देख रहे, ये पतले है ना, पतले ना भैया। मेन बात है ना कि आप इनका खाना छीन के खा जाते हैं, इसीलिए आप हेल्दी हुए जा रहे हैं, भैया पतले हैं क्यों भैया? ऐसी बात नहीं है। तो अभी हम लोग खाने का वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक आता है खाना हमारा। अब देखते हैं कब तक, कल या फिर कल मॉर्निंग तक होगा। अभी एक रात में अभी डाले हैं कभी, तो देखते हैं ये खाना कब तक आता है। वैसे बहुत फास्ट सर्विस है यहाँ पर, अभी तो भीड़ है ही नहीं भाई। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 7:30 हो रहा है, 8:30 बजे तक भाई यहाँ पे भीड़ लग जाती है। मतलब आप कुछ भी ऑर्डर करेंगे ना, मतलब कुछ भी ऑर्डर करेंगे तो कम से कम आपको 1 घंटा तो वेट करना ही पड़ेगा, इतनी भीड़ रहती है। लेकिन बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर एक मंदिर है अंदर में, चलिए मंदिर के पास लेके चलते हैं आप लोग को। ये देखिए रूट है, ये जबलपुर के साइड जाता है और ये मंडला मेन मार्केट में जाता है।
देखिए यहाँ पर ये सब जितनी भी गाड़ियाँ लगी हैं ना, ये जितनी भी गाड़ियाँ सब इस ढाबे पे आई है। ये देखिए यहाँ पर माता जी के दर्शन कर लिया जाए, ये माता जी के दर्शन, जय माता दी, आशीर्वाद दीजिए माता जी ताकि हम और आगे बढ़ें। तो चलिए चलते हैं और खाने का इंतजार करते हैं। ओ ये देखिए हमारे सर, डू यू टेस्ट इट? नो, जस्ट टेस्ट इट, जस्ट टेल द रिव्यू ऑफ दिस। ऑफ कोर्स इट्स गुड, या टेल द रिव्यू ऑफ दिस। ये है हमारा सेव टमाटर, ये जो नमकीन वाली सेव होती है ना वही सेव है, और टमाटर ग्रेवी के साथ करी बना हुआ। और देखते हैं हमारे सर का क्या रिव्यू है। Good, it's total good. Okay. So, what you can say about it in Hindi? बढ़िया। तो ये देखिए भैया हमारा लाते हैं खिचड़ी, हमारा पेट भरने का काम करती है भाई साहब घी डाल के। मतलब अब कसम से ये नहीं चाहते हैं कि हम हेल्दी हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम खाएंगे। ओहो भाई साहब खिचड़ी, घी को पिघल जाने दीजिए, थोड़ा सा घी इसमें ले लेते हैं। यस, और हम इसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो इसको पहला आदमी वाला टेस्ट किया जाए। हो गया। ओह टेस्ट, मसाला सारी चीज बहुत अच्छी है, दाल का स्वाद आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम घर से बाहर खा रहे हैं, खाना बहुत अच्छा है। तो अगर कभी आप मंडला आते हैं तो प्लीज यहाँ आइए। ये है प्रकाश ढाबा, वहाँ पे नाम आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग खिचड़ी खा चुका हूँ और आप ओवर माई खिचड़ी बट स्टिल आई वॉन्ट टू ईट खिचड़ी। अभी भी मैं खिचड़ी खाना चाहता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ खिचड़ी खाने। तब तक मैं पिछले ब्लॉग 11 के जो हमारे विजेता हैं, हमारे विनर्स हैं, उनका नाम बता दूँ। एक है दीपा भारती, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, उनको मिलता है 1 GB डेटा। और एक है कोई नीता करके, अब उनका पूरा नाम नहीं पता मुझे, लेकिन नीता हैं, वो भी 1 GB डेटा जीत चुकी हैं। तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर मेरे ईमेल आईडी पे, मेरा ईमेल आईडी ये रहा, जी हाँ ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पे अपना मोबाइल नंबर सेंड कर दीजिए, मैं उस पर रिचार्ज कर दूंगा। ओके 1 GB डेटा ओनली। तो दोस्तों अभी यहाँ पर खिचड़ी बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस प्योर इस ढाबे का ब्लॉग बनाऊँगा, जिसमें सारी चीज़ें होंगी कि आखिर क्या क्या बनता है, कैसे बनता है, भैया शेयर करेंगे। तो अगर आपको चाहिए ऐसा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। और अभी खा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम हाफ प्लेट और खाना चाहते हैं खिचड़ी। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। Thank you.